हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके डेली इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए और वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं इस वाले वाईफाई एक्सटेंडर आप बूस्टर जो भी कहता हूँ वाईफाई एक्सटेंडर मैं कहता हूँ वाईफाई एक्सटेंडर को अनबॉक्सिंग करूंगा। उसके बाद इसको खोलूंगा, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर कौन सी सर्किट लगा हुआ है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा आपको आईसी लगा हुआ है, वो सब मैं आज इस वीडियो में खुल के दिखाऊंगा। तो वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल में नए हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं ये स्क्रू ड्राइवर यूज करूंगा। आपको और एक बात बता देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से, ये मैंने ऑर्डर किया है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो चलो, तो बॉक्स को करते हैं साइड। तो सबसे पहले मिलता है तो एक यूजर मैनुअल, इसको कौन पढ़ता है, हम लोग सब जानता है। उसके बाद हमारा मेन जो डिवाइस है टीपी लिंक का, ये डिवाइस है, इसको भी अनसाइड करते हैं। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, तो इसको हम आप ओपन करके देखेंगे। तो इसके अंदर कौन से कौन बोर्ड लगा हुआ है, क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो इसको खोलने के लिए मैं ये स्क्रू ड्राइवर यूज करूंगा। चलो इसका स्क्रू को खोल लेते हैं। तो स्क्रू सारा ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको बहुत ही ध्यान से ओपन करते हैं। ये हमारा फ्रंट पैनल आप देख सकते हो, इसमें कनेक्शन किया हुआ है। ये एक सर्किट है, इसमें इसके अंदर एक चिप लगा हुआ है प्रोसेसर, उसको हीट करने के लिए यहाँ पर हीट सिंक ट्यूब है। इसमें अंदर कोई फैन मुझे नहीं मिला। और ये है मेन पावर सप्लाई किट, यहाँ पर आपको पावर मिलता है। और ये है आपका एंटेना का वायर। पावर सप्लाई किट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सा एक बोर्ड है। और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया है कितना आउटपुट वोल्टेज है, लगभग 12 वोल्ट का ही होगा, आप देख सकते हो। ये रहा हमारा आउटपुट, यहाँ पर देखेंगे कौन से कैपेसिटर इसके अंदर कनेक्ट है, तो हमारा वोल्टेज निकल कर आएगा। यहाँ पर कैपेसिटर देख सकते हो 470 ओम 10 वोल्ट। तो ये हमारा 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है, बहुत चीप क्वालिटी का पावर सप्लाई दिया हुआ है। इसका प्राइस मुझे लगभग 2300 रुपये पड़ रहा है ऑनलाइन, आप देख सकते हो। ऑफलाइन आपको इससे कम भी पड़ सकता है। इसका जो एंटेना है उसको हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो पाने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।